नमस्कार। एक बार एक आदमी जंगल में जा रहा था, तभी अचानक शेर आ गया तो वो सांस रोककर जमीन में लेट गया। यह देखकर शेर उसके पास आया और कान में बोला, सावन है बेटा, वरना सारी होशियारी निकाल देता। पिंकी सहेली रिंकी से। मेरे पति बहुत ही सीधे हैं, मेरे अलावा किसी की ओर आंखें उठाकर भी नहीं देखते हैं। रिंकी, मेरे पति तेरे पति से 4 कदम आगे हैं, पराई औरत तो क्या मेरी तरफ भी आंख उठाकर नहीं देखते। बीवी सुबह सुबह उठकर सीधे मेकअप करने लगी, पति की आंख खुली, ये तुम्हें क्या हो गया है जो सुबह सुबह मेकअप कर रही हो। पत्नी, चुप रहो, मैंने अपने फोन पर चेहरा देखकर खुलने वाला लॉक लगाया था, अब फोन मुझे पहचान नहीं रहा है। बीबी की अति सुंदर सहेली घर आई थी, पति भी वहीं बैठा उसे देखता रहा। कुछ देर बाद प्रेशर कुकर की 12 सीटियां बज चुकने पर पति ने पत्नी से कहा, किचन में देखो, दाल जल जाएगी। बीबी ने कहा, जल जाने दो, पर तुम्हारी दाल नहीं गल रही। नई नई शादी के बाद संता कंफ्यूज हो गया कि बातचीत कैसे शुरू करूं। आधे घंटे सोचने के बाद आखिर अपनी बीबी से बोला, आपके घर वालों को पता है ना कि आज आप यही रुकेंगी। पत्नी, जब हमने शादी की थी तब तो आप मुझे बड़े प्रशंसनीय नामों से बुलाते थे, जैसे मेरी रसमलाई, मेरी रबड़ी, लेकिन अब इन नामों से क्यों नहीं बुलाते। पति, दूध की मिठाई कितने दिन ताजी रहेगी।